based on VSEPR theory, the number of 90 degree FBRF bond के बीच में angle in BRF5 is. इसके लिए सबसे पहले आपको इसकी shape पता होनी चाहिए. BR एक least electronegative element, then F lesser electronegative element है, then fluorine. So outermost में 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. राइट गाइज, तो 5 एफ अकोमोडेट करने, 3 तो ये रहे, 4 एंड 5 एक लोन पेयर है, तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, यानी ये क्या हो गया, sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया. अगर sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड है और एक नंबर ऑफ लोन पेयर होता है, तो मैंने आपको बताया था गाइज कि इसकी जो शेप होगी वो होगी स्क्वायर पिरामिडल. नाउ स्क्वायर पिरामिडल शेप कैसी होगी, सेंट्रल एटम होगा, 4 वैलेंसी सेम प्लेन में होगी, राइट, और 2 एलिमेंट बेसिकली इस तरह से अबोव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, इस टाइप से मान ले होगा. राइट गाइस, सो इसकी वैलेंसी अब कैसे बताना. अबे आइडियली अगर आप देखें तो जो ये प्लेन के ऊपर, देखिए आप ये मान के चलें ये प्लेन है पेपर का, इसके ऊपर आपने एक पेंसिल ऊपर रख दी एक नीचे रख दी, तो ये जो एंगल होता है प्लेन से इस 90 डिग्री का, राइट, अब ऐसे देखिए ये इस तरह से है कि जो ये वाला बॉन्ड है तो ये वाला ये हो गया, और जो ये प्लेन है वो बेसिकली एक्स वाई प्लेन है, तो ये आइडियली तो 90 डिग्री का होना चाहिए, राइट. तो इसका मतलब अगर मैं कॉमन उस वे में बताऊं तो स्क्वायर पिरामिडल में 2 90 डिग्री एंगल होंगे, एक ऊपर वाले से का प्लेन से, एक नीचे वाले बॉन्ड का प्लेन से, राइट. लेकिन अब इस केस में क्या होगा, अब देखिए इसमें बेसिकली स्क्वायर पिरामिडल शेप कैसी बनेगी बीआरएफ की. बीआर सेंट्रल एटम है. सबसे पहले तो आप क्या करें कि सपोज मैं इसके एक एफ प्लेन दिखाने के लिए ऐसे बना देता हूं, चलिए आपका 2 बिलो द प्लेन एक अबोव द प्लेन, राइट, ये इस तरह एफ आ गया. अब क्या होगा, 2, 4 एफ हो गए, एक एफ बचा है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स एक है. अब देखिए एक तो मैंने ऊपर बना दिया, एक 5 हो गए सारे, अब एक लोन पेयर बचा है. पिरामिडल स्क्वायर पिरामिडल शेप होनी चाहिए, लोन पेयर यानी ये नीचे की शेप होगी. अब क्या होगा, आइडियली तो केसेस में इसमें ये 2 90 डिग्री एंगल होने चाहिए थे, लेकिन इस केस में आप कह सकते हैं चलो इसमें एक है, लेकिन इसमें क्या होगा, इस देखिए ये भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी है, लोन पेयर है, ये भी बेसिकली इलेक्ट्रॉन के क्लाउडी है, तो इनके बीच में एक रिपल्शन होता है, राइट, रिपल्शन होता है इनके बीच में. रिपल्शन होने के बीच वजह से जो ये प्लेन है ये ऊपर की तरफ आ जाएंगे, यानी जो ये 90 डिग्री का एंगल था ये 90 डिग्री का होने के बजाय लेस देन 90 डिग्री हो जाएगा, राइट, कुछ इस तरह से. तो इसका आंसर क्या है, कोई भी नहीं है, 0, nil, राइट.